सबसे पहले ये एप्लीकेशन को आपको अपने नए वाले फोन में डाउनलोड कर लेनी है, जिससे आप सीसीटीवी कैमरा को कंट्रोल करना चाहते हैं, और फिर इस ऐप को दूसरे वाले पुराने फोन में डाउनलोड कर लेनी है। ऐप को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आपको जनरल QR कोड पर क्लिक कर देनी है। इस QR कोड को स्कैन करके आप दूसरे वाले फोन से जल्दी से कनेक्ट करा लेनी है। अब दूसरे वाले फोन से आप लाइव सीसीटीवी फुटेज अपने फोन से देख सकते हैं, और आप चाहे तो उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं, और इतना ही नहीं आप चाहे तो कैमरा के सामने आए वाले इंसान से बातें भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपका फोन चोरी करके भागने की कोशिश करता है, आप चाहे तो फ्रंट कैमरा ऑन करके अब उसके लाइव फुटेज भी देख सकते हैं कि कौन आपका फोन लेके भाग रहा है।